का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सौरभ सर हमारे वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया करो प्रैक्टिस के फॉर्मेट में, तो आज के इस लाइव सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे जो अपने 21 जून से लेकर जो 30 जून तक के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 100 के आसपास में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसमें बड़ा आसान होगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, आपके लिए आपको थोड़ा सा समय दूंगा और आप उसका आंसर देते हुए चलना, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। मैं जरा आप लोग एक बार बस इतना बता दें कि अगर आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई पड़ रही हो, सब कुछ सही हो, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी जरा इस वीडियो को एक बार चेक कर लेता हूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर वन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना ना भूलें। तो यहां पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर जल्दी से बताना ना भूलें, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोग देखिए, अक्षत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ठीक है। अक्षत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आंसर किया है गल्फ ऑफ एडन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ एडन। तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर उन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस के बीच में पहला समुद्री सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ एडन में इसको किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो नेवल फोर्सेस है इसके बीच में एक्सरसाइज आयोजित किया जा रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तब इसको आंसर कर देंगे कि पहली बार हो रहा है ना कि दूसरी बार। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसका एक फोटो देख सकते हैं, साथ ही साथ में आगे चले हैं, ये जो सैन्य अभ्यास है इसको 18 और 19 जून को आयोजित किया गया था, ठीक है। इंडियन नेवी के इस समय जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह, ये भी आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपको मार्च महीने में याद हो, तो मार्च महीने में भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था पासेक्स नाम का एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, कहां पर हुआ था, इसको बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया था। इसके बाद में दोस्तों, चूंकि ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने पढ़ा था कि गल्फ ऑफ एडन में ये सैन्य अभ्यास हुआ है, तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, ये गल्फ ऑफ एडन देखिए, ये आपको जो सकरा सा रास्ता दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ एडन। इसको अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जो गलियारा है इंडियन ओशियन से अगर कोई शिप आगे बढ़ता है तो ये गल्फ ऑफ एडन के माध्यम से रेड सी को जोड़ता है, तो ये है गल्फ ऑफ एडन जो आगे जाकर रेड सी में मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल क्लियर करके हमने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न देखो क्या है, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज नामक सम्मेलन की मेजबानी आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई है, इस सम्मेलन की थीम क्या है। तो ब्रिक्स देशों का जो मेंबर्स हैं उनकी उनका एक सम्मेलन होता है कि ब्रिक्स देशों की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एक सम्मेलन होता है, तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ABCD में क्या सही होगा, बाकी जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो में आंसर जरूर करें और इसको लाइक और शेयर भी करें। आंसर हो जाएगा इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस थीम पर इस इवेंट को आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज जो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा मेज़बान किया गया था, इसकी थीम यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो सम्मेलन है ये 13वां जो ब्रिक्स समिट है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, और इस बार ये जो 13वां ब्रिक्स समिट है इसकी अध्यक्षता भी भारत देश कर रहा है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से मेंबर हैं? तो ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका आता है। 2021 का जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देशों की जो बैठक है उसका अध्यक्ष देश कौन सा है? तो उसका अध्यक्ष देश 2021 के लिए है इंडिया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो दोस्तों पहला ब्रिक्स सम्मेलन है इसको वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। ये एक बार एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप सम्मेलन जिसका नाम है वीवा टेक्नोलॉजी 2021 के कौन से संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया है? तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में चल रहा है। यहाँ पर सुशील यादव का आंसर देख सकते हैं, अक्षत मिश्रा का आंसर देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 5वां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि इसके 5वें संस्करण को हाल ही में इसके 5वें संस्करण को आयोजित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको सम्मेलन दिख रहा होगा वीवा, ये जो सम्मेलन है ये स्टार्टअप सम्मेलन है, इसमें बड़े बड़े स्टार्टअप पार्टिसिपेट करते हैं। चर्चा में क्यों चल रहा है? चर्चा में इस वजह से चल रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इसमें इनवाइट किए गए थे और एक छोटा सा लेक्चर भी उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 को किसके द्वारा जारी किया गया है? जल्दी से बताएंगे, आंसर हो जाएगा अंकटेड। हाल ही में अंकटेड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। आप देख सकते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जिसको अंकटेड ने रिलीज किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में कुल 64 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में FDI प्राप्त करने के मामले में 5वां सबसे बड़ा FDI है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें हम लोग लिस्ट देखेंगे FDI में 2020 में FDI के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है। अमेरिका FDI के मामले में पहला और चाइना दूसरा और हांगकांग तीसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है ओपन सोसाइटी प्राइस 2021 किसे दिया गया है? दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको दिया गया है? ABCD में क्या सही हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KK Shailaja, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सोसाइटी प्राइस 2021 जो है KK Shailaja को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मर केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं KK Shailaja, जिनको ओपन सोसाइटी प्राइस जो है दिया गया है। ये अवार्ड सेंट्रल यूरोप यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर किसके द्वारा लिखी गई है? 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, जो भी राइट आंसर देगा उसका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले जो राइट आंसर देगा उसका मैं नाम यहाँ पर लूंगा। तो आंसर इसका देखो क्या होगा, आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना की जो वाइफ है ताहिरा कश्यप खुराना, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इससे पहले भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन, इस पुस्तक को भी उनके द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप देखिए बहुत ही कम समय में आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर हो रहा है, इस वजह से इसको बहुत ही सीरियस लीजिएगा, बिना डाइवर्ट हुए क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। इंटरनेशनल योगा डे 2021 के अवसर पर मोदी जी ने योग के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एम योगा नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है जिसको WHO के साथ में मिलकर तैयार किया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है WHO योगा। इस ऐप को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है, इसका नाम है एम योगा और WHO के साथ में मिलकर इस ऐप को तैयार किया गया है। दोस्तों बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होना। जो लोग डाइवर्ट होते हैं मानकर चलो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं तो डाइवर्ट हुए बिना इसका आंसर देना। जून 2021 में किसके द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया एंड एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जल्दी से आंसर बताएंगे, ABCD में क्या सही हो जाएगा? ये गलत, ये गलत, ये गलत। चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने एक एटलस को रिलीज किया है, एक एटलस को रिलीज किया है जिसका नाम है जनरल इलेक्शन 2019 इंडिया एन एटलस। इसका फोटो भी देख सकते हैं, इस एटलस को हाल ही में रिलीज किया गया है। अब इसमें देखो और भी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है सुशील चंद्रा। और इस समय जो इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? अनूप चंद्रा, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इसका जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में आ जाता है जून 2021 में ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNHCR, ठीक है, UNHCR, इसके जो हाई कमिश्नर है उनका नाम है फिलिपो ग्रैंडी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन बनेगा, किस NBFC और PMC को PMC बैंक का अधिग्रहण करने और इसे एक लघु वित्त बैंक बनाने के लिए RBI ने मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सुनील और आकाश बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा आकाश ने प्रयास किया है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर देते हुए चलें। आंसर हो जाएगा सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 9th एशियन मिनिस्टेरियल एनर्जी राउंड टेबल 2022 बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जितने लोग दोस्तों इसको देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत की अध्यक्षता में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें लिखा है साफ साफ, इंडिया टू होस्ट 9th एशियन मिनिस्टेरियल में एनर्जी राउंड टेबल नेक्स्ट ईयर, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंथली PDF हमारा परचेज करना चाहते हैं तो उसके भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शानदार आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिविजन करना है। हाल ही में इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट स्टैटिक्स फॉर 2021 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर UK होगा, UK से FDI प्राप्त करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया, इसमें दूसरे स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया इसमें दूसरे स्थान पर आया है। क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के सुपर रिच की कुल संपत्ति कितने प्रतिशत कम हुई है? क्योंकि 2020 में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड रहा था, जिस वजह से भारत में जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में कितना रिडक्शन हुआ है? यहाँ पर जो भी सबसे पहले आंसर देगा, सुशील यादव ने सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनकी संपत्ति में 4.4% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2020 में जो सुपर रिच लोग हैं उनकी संपत्ति में 4.4% का डिक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन बनेगा, आप देख सकते हैं जून 2021 में RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू गवर्नमेंट के मामले में कौन से स्थान पर रहा है?
जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा। जो लोग सबसे पहले आंसर देंगे उसका नाम मैं यहां पर लूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है, सेकंड पोजीशन पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो डेटा है ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा हाल ही में रिलीज किया गया है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसको आप रिवीजन कर सकते हो। मैं आपको लिस्ट के फॉर्मेट में भी शो कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुर्की इस मामले में पहले स्थान पर आता है, इंडिया दूसरे स्थान पर आता है और मलेशिया तीसरे स्थान पर आता है। अब चूंकि इस रिपोर्ट को आरबीआई ने रिलीज़ किया है तो इसके बारे में देख लो जल्दी से। इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनका नाम है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। ये चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है, तो अगले इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखो कौन आंसर करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड की ये बुक है, जिसको आंसर ए सही हो जाएगा। जितने भी लोग आंसर ए कर रहे हैं वो सही हैं, बाकी सब गलत हैं। रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसमें देखो लिखा है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, फटाफट से आंसर देंगे, लेट मत करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, शाबाश, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2024 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इस योजना के बारे में आगे चलते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020 में पिछले 100 वर्षों में परोपकार करने वालों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन से व्यक्ति आए हैं? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वाला प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? जमशेद जी टाटा, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा को पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा परोपकार करने वाली लिस्ट में स्थान मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जमशेद जी टाटा को पहला स्थान मिला है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दूसरा स्थान मिला है, हेनरी वेलकम को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, शीर्ष 50 में एक और व्यक्ति है जिनको शामिल किया गया है। शीर्ष 50 में, टॉप 50 लोगों में एक और व्यक्ति है जिनका नाम है अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी को शामिल किया गया है और अजीम प्रेम जी को इस लिस्ट में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नाम से एक सुविधा को लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे, देखें इसमें राइट आंसर कौन करता है। जल्दी से एबीसीडी में क्या सही होगा? ए, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कोटक महिंद्रा। यहाँ पर दोस्तों एसबीआई बता रहे हैं कुछ लोग, दीपक कुमार ने आंसर ए टिक किया है। जो भी सही आंसर देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा। आकाश ने डी बोला है, असब खान ने बी बोला है। ठीक है, तो फटाफट से एबीसीडी में देखो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग आंसर लिख कर भेजें। आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। आकाश का गलत हो गया है, बाकी सभी लोग देखो सही दे रहे हैं। वंदना कुल्लू आपका भी गलत है, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें कि आप अपने मोबाइल से जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं पैसा भेज सकते हैं। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है?
इसका आंसर बताएंगे। प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप समझिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है। इस गाने को हाल ही में रिलीज किया गया है जिसको मोहित चौहान ने लिखा है, ठीक है। ये इसको मोहित चौहान ने इसको कंपोज किया है। इंडियन ओलंपिक संघ के बारे में समझे तो इसके अध्यक्ष का नाम है नारायण रामचंद्रन। स्थापना 1927 को करी गई थी। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। शाबाश बेटे, शाबाश। जो लोग भी इसका सही आंसर देंगे उनको मेरी तरफ से प्यार मिलेगा। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो असगाबाद, असगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान का असगाबाद पहले स्थान पर आता है। इसमें आप देखेंगे असगाबाद तुर्कमेनिस्तान का पहले स्थान पर है, चाइना का हांगकांग दूसरे, और बेरूत कहाँ का, लेबनान का, ये तीसरे स्थान पर आता है। फिर उसके बाद में है मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी श्रमिकों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई को ग्लोबल लेवल पर 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो देखें कौन इसका राइट आंसर कर पाएगा। यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, तब तक मैं लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा लेता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है। कुछ लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं। देखो दिवस वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, याद करने की चीजें बहुत होती हैं। आंसर सी सही हो जाएगा, 23 जून इसका राइट आंसर है। 22 नहीं, 23 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 की जगह 22 जून इसका राइट आंसर, सॉरी 23 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं, अगर आपको नोट्स लेना है तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। हमारा मंथली, आपको पता होगा हमारे मंथली पीडीएफ लॉन्च किए जाते हैं। विश्व जल सर्वेक्षण विज्ञान दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर साल 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर साल 23 जून को ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास में समय की कमी है और आप मंथली पीडीएफ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारी पीडीएफ को परचेज करके इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम ये है। किस राज्य में मिर मेसिना बबाई और मिर मेसिना रेटिकुलाटा नामक चींटी की दो नई प्रजाति खोजी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीपक कुमार ने सही आंसर दिया है, सुशील यादव, किरण कुमार, सभी लोग, अक्षत का भी बिल्कुल आंसर सही है, अक्षत मिश्रा का आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारती एयरटेल ने भारत में 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है?
आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाटा ग्रुप के साथ में साझेदारी करी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टाटा ग्रुप के साथ में साझेदारी करी है। यहाँ पर आप दोनों का फोटो भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा, WWF इंडिया ने किसे अम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज अपॉइंट कर दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपासना कमीनेनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपासना कमीनेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फोटो भी देख सकते हैं, उपासना कमीनेनी, जिनको हाल ही में एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज का। हाल ही में वन प्लस वियरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखें कौन सा ही इसका आंसर देता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसने वन प्लस स्मार्ट वेरिएबल्स जो हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ ने किस नाम से अपना संस्मरण पुस्तक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर विल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि विल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न का आंसर बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से क्या सही हो जाएगा ABCD में। बहुत ही अच्छे आंसर मिल रहे हैं मुझे। आंसर नंबर डी, डी सही हो जाएगा, डी, ऑन्स जेबुअर, ऑन्स जेबुअर, ये आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने हवा में ही लेजर से ड्रोन मार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण कर लिया है? तो आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? स्पीड से चलेंगे दोस्तों, बहुत तेजी से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। आंसर ए सही हो जाएगा, इसराइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा में अगर कोई ड्रोन आपको दिख रहा है तो उसको लेजर से ही मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए इस वाले प्रश्न का आंसर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, L&T इन्फोटेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, L&T इन्फोटेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून, 20 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है, और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। विश्व के सबसे ज्यादा तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में, मोस्ट स्ट्रेस्ड सिटी लिस्ट में मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सविता साहू आंसर कर रही हैं, अक्षत मिश्रा बराबर राइट आंसर दे रहे हैं, तो मुंबई को इसमें सवा स्थान प्राप्त हुआ है। ये वाला प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, सवा स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में दिल्ली को 97वां स्थान प्राप्त हुआ है, 97।
विश्व के सबसे तनावपूर्ण शहरों की लिस्ट में, मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी लिस्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड का रेकजविक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइसलैंड का रेकजविक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, ये अवार्ड्स का ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आपको मिलना ही है ये वाला क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति है, ई समिति उसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सभी बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ आंसर देते चलो, आप लोग बस आंसर देते हुए चलो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा समुत्रा, सुमित्रा मित्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुमित्रा मित्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा मित्रा। ठीक है, इनका फोटो देख सकते हैं, सुमित्रा मित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में आर्ट्स 9 मुंडी पुरस्कार, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर हो जाएगा, सभी लोग इसमें देखो बी ऑप्शन कर रहे हैं। अक्षत का भी बी है, सुशील यादव का बी है, और दीपक कुमार मैथ का बी है, असब खान का डी, डी तो नहीं होगा, प्रभाकर पचपूते, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिवीजन करना पड़ेगा आपको, रिवीजन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है प्रभाकर पचपूते जिनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पर निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोस्तवाना, वोस्तवाना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वोस्तवाना में निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो हीरा है, और इसमें देखो लिखा है 1098 कैरेट का, ये जो वोस्तवाना डायमंड है, ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। इब्राहिम राहिसी ने किस देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसको ईरान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ईरान देश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है ईरान, और वो किसका स्थान लेंगे? वो हसन रूहानी, हसन रूहानी का स्थान लेंगे। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी का नाम है ईरानियन रियाल। ईरान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ईरान। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हंड्रेड वन परसेंट आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर भारत का कौन सा शहर आया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस बार ईज ऑफ लिविंग का कौन सा संस्करण रिलीज किया गया? तो दूसरा, इसका पहला संस्करण 2018 में रिलीज किया गया था।
तो इसको भी याद करते हुए चलेंगे। अच्छा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ष के लिए इसका एक फोटो देख सकते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2021 का जो थीम है वह योगा फॉर वेल बीइंग्स है। इस वर्ष इस दिवस का 7वां संस्करण मनाया गया है। इसको पहली बार 2015 में मनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 जून, और 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जून म्यूजिक डे, 21 जून को। फिर उसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, विश्व हाइड्रोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इसको भी 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का जो थीम है वो हो जाएगा 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द हाइड्रोग्राफी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा 30 जून 2021 तक आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर देगा, निष्क्रिय घोषित कर देगा? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेक्शन 234H। ठीक है, सेक्शन 234H। किस राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए योजनाएं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, शुरू करी गई हैं? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार में इन योजनाओं को शुरू किया गया है। अब इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं किस योजना में क्या है, तो उसके लिए आप हमारी PDF को परचेज कर सकते हैं। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2021 में कैपिटल जहाजों के पूर्वीय बेड़ों में सबसे अच्छा जहाज किसे चुना गया है? बेस्ट कैपिटल शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए INS सह्याद्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS सह्याद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा इंडियाज बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2021 लिस्ट में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको मिलना ही है। तो आंसर हो जाएगा DHL एक्सप्रेस। अक्षत के सबसे ज़्यादा सही आंसर आ रहे हैं, अक्षत जो है टॉप कर रहे हैं, DHL एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं एक बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग लाइक करके मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर इस तरीके का कंटेंट मैं कैसे ला पाऊंगा। इस वजह से इस वीडियो को लाइक करें सभी लोग। ठीक है, पहले सभी लोग इसको लाइक कर दें, 1 सेकेंड से भी कम का समय लगेगा। इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक कर दें, उसके बाद में आगे चलते हैं। किस देश ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का उद्घाटन सेशन जीत लिया है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, इसको जीता है न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने इसको जीता है। आप इसको देख सकते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 को किसने जीता है, इसी ने जीत लिया, न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया है, तो पुणे महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने यूपीआई ई मैंडेट का उपयोग करते हुए भारत का पहला वॉलेट ऑटो टॉपअप फीचर लॉन्च किया है, तो आंसर बी फोन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोन पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का आंसर बताएंगे, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के कितने मिलियन लोग ड्रग का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा, ए बी सी डी में से अक्षत ने आंसर किया है बी, बाकी लोग भी आंसर करें यहाँ पर, दोस्तों आप लोग अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, तो 275 मिलियन बी ऑप्शन ही सही होगा, अक्षत जी का आंसर सही है। किस देश की तैराकी केली मैककियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रति वर्ष नाविक दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून को मनाया जाता है, 25 जून इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है अ फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयरर्स। आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन योजना किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में एसबीआई, ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ओडिशा की जगह हम लोग कर देंगे कोचीन, कोचीन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पहले में से मैंने इसको मिस्टेक वाइज गलत भी पढ़ाया है, तो कोचीन, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, इसको आप लोग करेक्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचीन एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक जिसका नाम है सेंट्रल सोलेनॉइड, सेंट्रल सोलेनॉइड किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा सेंट्रल सोलेनॉइड जिसको फ्रांस में एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब इसमें देखो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्यों किया जा रहा है, कहाँ पर किया जाएगा, अगर ये सब पढ़ना चाहते हो तो हमारी मंथली पीडीएफ को आप परचेज करें, वहां से आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जून 23 और 24 को पासेक्स एक्सरसाइज हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी,
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला रेबीज मुक्त भारत राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोवा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 में IIM बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 39वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट रेटिंग PIR 2021 के दूसरे संस्करण में पाइनियर बी स्कूल लेवल 5 में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसमें पहले स्थान पर रहा है, तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा है और ये क्या होता है कैसे रिलीज होता है, तो इसके लिए आप हमारा मंथली PDF लें, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2021 20 के तहत बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है, कौन से राज्य को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को ये स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीन राज्य कौन कौन से हैं टॉप के जिनको ये पोजीशन दी गई है। इसके बाद में सबसे अच्छा शहर बेस्ट स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदौर और सूरत दोनों को ही मिला है, इंदौर और सूरत। स्पर्श श्रीवास्तव ने बहुत स्पीड से सही आंसर दे दिया है, इंदौर और सूरत दोनों को ही पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसको सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग बताएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जस्वनी नाम से एक महिला विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यहां पर स्पीड से आंसर देते हुए चलें अगर, तो ONGC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ONGC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जून को, 26 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 जून को मनाया जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा जून 2021 को स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन अर्बन के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसके 6 वर्ष, 6 ईयर्स, 6 साल इसके पूरे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो एक पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है। आप ये डिटेल